रमा एकादशी। दिवाली से पहले रमा एकादशी व्रत करने से दूर होगा धन संकट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, रमा एकादशी व्रत कथा के सुनने मात्र से महालक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। कार्तिक माह की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी से दिवाली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। इस एकादशी का नाम भी माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप पर रखा गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। कहते हैं कि रमा एकादशी व्रत कथा के सुनने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और महालक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। तो दोस्तों, अब आप सुनने जा रहे हैं रमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर के राजा मुचकुंद ने पुत्री चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दी। शारीरिक रूप से शोभन बहुत दुर्बल था, वह एक समय भी अन्न के बिना नहीं रह सकता था। कार्तिक माह में दोनों राजा मुचकुंद के यहाँ गए। उस समय रमा एकादशी थी। पिता के राज्य में रमा एकादशी का व्रत मनुष्य के साथ पशु भी करते थे। चंद्रभागा चिंतित थी क्योंकि पति भूखा नहीं रह सकता था, इसलिए उसने शोभन से दूसरे राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करने को कहा। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मिला अपार धन। शोभन ने चंद्रभागा की बात नहीं मानी और रमा एकादशी का व्रत करने की ठानी। सुबह तक शोभन के प्राण निकल चुके थे। पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा पिता के यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक बार राजा मुचकुंद के नगर का ब्राह्मण सोम शर्मा देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को पहचान लेता है। ब्राह्मण पूछता है कि शोभन को यह सब ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि यह सब रमा एकादशी व्रत का फल है, लेकिन यह सब अस्थिर है, माँ लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त हुआ ऐश्वर्य। शोभन ब्राह्मण से धन संपत्ति को स्थिर रखने का उपाय पूछता है। इसके बाद ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 वर्षों से एकादशी व्रत कर रही है, इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वह इतना कहकर शोभन के पास चली जाती है। अपनी व्रता धर्म निभाते हुए चंद्रभागा अपने किए 11 के व्रत का पुण्य शोभन को सौंप देती है और इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी रमा एकादशी व्रत कथा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा इंडियन रिचुअल के साथ।